हे गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं विनोद बिहारी महतो जी का स्मारक, और इसके राइट साइड में ही देख सकते हैं आप लोग विनोद बिहारी महतो स्मारक एंड विनोद भवन है, और फिर आप इसके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं गाड़ी स्टैंड, जिसमें कि आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पे गाड़ियाँ स्टैंड में लगी हुई है, और स्टैंड के बगल में ही हमारा शॉप है जिसमें से एक स्नेहा जनरल फूड सेंटर है जो कि अभी बंद है और इसमें काम चल रहा है, और बगल में एक और शॉप है जो कि खुली है, तो यहाँ से आप लोग कुछ ले सकते हैं, खाने पीने का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो गाइस, तो अभी हम हैं भटिंडा फॉल के कैंपस के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने का यहाँ पे काफ़ी कुछ है। यहाँ पे एक बच्ची स्लाइडर के ऊपर चढ़ रही है स्लाइड करने के लिए, और स्लाइडर के बगल में झूला भी है, तो अगर आप कभी आते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पे खेलने का मौका दें। हे गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि वाटरफॉल तो नीचे है, लेकिन वाटरफॉल के पास जाने से पहले मैं थोड़ा आगे जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे वीर शहीद निर्मल महतो जी का, तो आप लोग देख सकते हैं निर्मल महतो जी का प्रतिमा जो कि झारखंड में पूरा। आप लोग देख सकते हैं जो जो दिख रहा है बैठने का जगह, यहाँ पे आप लोग फैमिली के साथ बैठ सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। भटिंडा फॉल के अंदर मंदिर भी है जो कि आप लोग देख सकते हैं। भटिंडा फॉल में भैया लोग घूमने आए थे जो कि आप लोग देख सकते हैं उन लोगों को। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये हम हैं, हमारे दोस्त हैं, और ये भटिंडा फॉल है। ठीक है भैया, और भैया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वाटरफॉल एकदम नजदीक से। गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है ये वाटरफॉल का, तो और नज़दीक से हम आप लोगों को दिखा। गाइस, तो काफ़ी रात हो चुकी है और मैं थक भी चुका हूँ, तो अब हम लोग आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब घर के लिए रवाना होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक